सुनील दत्त की वजह से बॉलीवुड को मिला शक्ति कपूर, कॉमिक रोल में मचाया धमाल। बॉलीवुड में कॉमेडी ऐसा जॉनर है जो सदियों से चला आ रहा है और कभी भी जनता को खुश करने में पीछे नहीं रहता। देश विदेश की जनता को कॉमेडी फिल्में पसंद आती हैं और अगर कोई एक्टर इसमें शुरू से माहिर रहा है तो वो है शक्ति कपूर। शक्ति कपूर ने बॉलीवुड में कॉमेडी को नया चेहरा दिया। उन्होंने फिल्मों में हर तरह के रोल निभाए, चाहे वो सपोर्टिंग हो, विलेन हो या कुछ और। मगर शक्ति को असली पहचान कॉमिक रोल्स के जरिए ही मिली। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर शक्ति कपूर को शक्ति कपूर बनाया किसने? आइए आपको बताते हैं शक्ति कपूर के बारे में कुछ अनजानी बातें। शक्ति कपूर का जन्म 3 सितंबर 1952 को हुआ था। उनका जन्म दिल्ली में हुआ था और उनका असली नाम सुनील सिकंदर लाल कपूर है। उनके पिता कनॉट प्लेस में टेलर का काम किया करते थे। शक्ति कपूर ने फेमस होने से पहले लंबे समय तक स्ट्रगल किया था। सुनील दत्त ने उन्हें सपोर्ट किया। सुनील उस समय फिल्म रॉकी बना रहे थे और बेटे संजय दत्त को बॉलीवुड में लॉन्च करने वाले थे। सुनील ने शक्ति को फिल्म रॉकी में विलेन के रोल में कास्ट किया, लेकिन उन्हें लगा कि सुनील सिकंदर लाल कपूर नाम उनके विलेन के अवतार को सूट नहीं करेगा। फिर जन्म हुआ शक्ति कपूर का। सुनील दत्त ने उन्हें उनका फिल्मी नाम दिया। फिल्म रॉकी में उनके काम की खूब सराहना हुई और उन्हें बॉलीवुड में जगह मिली। शक्ति कपूर ने अपने अभी तक के करियर में लगभग 200 फिल्मों में काम किया है। इसमें से सबसे ज्यादा काम उन्होंने एक्टर कदर खान संग किया है। इस जोड़ी ने साथ में कॉमिक रोल और विलेन के रोल्स किए। शक्ति बॉलीवुड के फेमस विलेन रहे हैं, लेकिन 90 के दशक में उन्होंने कॉमिक रोल्स करने शुरू किए, जिसके बाद लोगों का उन्हें देखने का नजरिया बदल गया। उन्होंने फिल्में जैसे चालबाज, अंदाज अपना अपना, राजा बाबू, तोहफा, इंसाफ और बोल राधा बोल में काम किया है। इन फिल्मों में उनका काम तारीफ के काबिल था। उनके डायलॉग आओ लोलिता, मैं नन्हा सा मुन्हा सा बच्चा हूँ और नंदू सबका बंधू, समझता नहीं है यार, आज भी दर्शकों के बीच फेमस हैं। उनके कॉमिक अवतार की नकल आज भी कई लोग करते हैं।